आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, ये पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ इस प्रकार का वातावरण, दूसरी तरफ विरासत को सम्मान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण, और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हमने, हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यही तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, और उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका बहुत दिनों तक मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ। एक लंबे समय तक उन्होंने किसानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। देश की सरकारों को झकझोरा था कि भारत को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो इसका रास्ता गांव के खेत और खिलानों से होकर के जाता है, और इसके लिए किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी। किसान पहली बार 6000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। यह चौधरी साहब का सम्मान है, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि एक तरफ विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाली मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, जिसने तुष्टीकरण को नहीं बल्कि बिना भेदभाव के हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। सबका साथ और सबका विकास जिसका मंत्र है, वो अभियान पुरजोर तरीके से हम सब देख सकते हैं। ऐसे ही देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग सरदना में बना रहे हैं, सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं।
आप मुझे बताओ, पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी, कावड़ यात्रा धूमधड़ा के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। और इसके लिए यह प्रबुद्ध संविधान समाज के हर तबके का व्यक्ति यहां पर आया है, अधिवक्ता भी है, चिकित्सक भी है, शिक्षक भी है, व्यापारी भी है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी है और समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। ये समाज का माहौल बनाते हैं, समाज को लीड करते हैं। और आपके यहां तो पहले चरण में ही चुनाव है 19 अप्रैल, लेकिन अंतिम चरण में 5 जून को चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर पहले चरण के मतदान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे,